हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, आपका अपने हिंदी की क्लास के अंदर स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हिंदी के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 विश्वास धरोहर की जीत है के बारे में दो पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया है। प्यारे बच्चों, आज अपना पार्ट 3 है जिसके बारे में हम देखते हैं कि स्टोरी के अंदर आगे क्या घटना घटती है। चलो बच्चों, इतने में वह साधु भी वहाँ पर आ गया। सारी बात कहने से उसे तनिक भी देर न लगी। राजकुमार उसकी शरण में था, अतः उसका हितोषी तो था ही। उसके विजयराज के नाम पर एक पत्र लिखा और उमर सिंह ने उसे विजयराज को देने के लिए कहा। उमर सिंह पत्र लेकर चला गया। दरबार में पहुंचते ही विजयराज ने प्रश्न किया, जो कार्य तुम्हें सौंपा गया था क्या तुमने उसे पूरा किया? उमर सिंह ने स्वीकृति में धीरे से गर्दन हिलाकर उत्तर दिया, साधु द्वारा दिया गया पत्र विजयराज के सम्मुख रख दिया। उसमें लिखा था कि इस पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक दानी है, पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक आए और चले गए। यह पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, केवल उनके द्वारा किए गए कर्मों की गूंज ही उसके साथ गई है। मुझे लगता है कि यह पृथ्वी निश्चित रूप से तुम्हारे साथ जाएगी, पर सोचो क्या यह जाएगी? विजयराज ने पत्र पढ़ा तो उसका मन आत्मगलीना से भर गया। साधु की बातों के रहस्य को वह समझ गया था। वह जोर जोर से विलाप करने लगा और सिंहासन पर लुढ़क गया। होश में आने पर उमर सिंह से बोला, यह मैंने क्या कर दिया? उमर सिंह, मैं अब राम सिंह की आत्मा को क्या जवाब दूंगा? क्षणिक सुख और वैभव ने मेरे आदर्शों को मिट्टी में मिला दिया। अब कौन मुझ जैसे राजभक्तों पर विश्वास करेगा? अपना पूरा साहस बटोरकर उमर सिंह ने ठीक ठीक बात विजयराज को बताई तो वह ऐसा खुश हो उठा जैसे डूबते को तिनके का सहारा हो गया। वह खुशी से चीखा, जाओ राजकुमार दीवांश को बुलाकर लाओ, राजा सिंहासन पर असली स्वामी तो वही है। राजकुमार दीवांश साधु के साथ उदयपुर गया। विजयराज ने राजकुमार को विधिवत राज सिंहासन सौंप दिया। अब विजयराज बहुत प्रसन्न था। वह भाव विह्वल होकर साधु से बोला, मैंने आपका शिष्य ले लिया, आपको एक शिष्य और मिल जाएगा। विजयराज ने बढ़कर साधु के चरण स्पर्श किए और उसी के साथ तप करने वनों में चला गया। प्यारे बच्चों, यह था चैप्टर नंबर 3 विश्वास ही धरोहर की जीत है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर समझ में आया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।